कुछ जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट आपको पता है वो जर्नलिस्ट ही होता है, कुछ जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ फोन पे जुड़ रहे हैं। और कंट्रोल रूम बता सकते हैं कौन कौन जुड़ गए? सुनील मलिक हैं, ये अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आजकल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। ये मैंने कहा कि आप लोगों को भी जोड़ा जाए, बहुत परिश्रम किया है आप लोगों ने, और बुनियादी तौर पे तमाम दर्शकों को बता दूं कि सबके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। सुनील, अब तो चुनाव हो गया है ना, अब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ना हो करके अब आप एक बार जरा पुराने जर्नलिस्ट वाले फॉर्म में आ जाइए। जरा आपका आकलन क्या है, बहुत जी संक्षेप में बताइएगा, अब वो सब भूल जाइएगा आम आदमी पार्टी वाला चोला उतार करके जर्नलिस्ट के तौर पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक जर्नलिस्ट के तौर पर मौका दिया तो उसी हिसाब से अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपका सुन रहा था कि जैसे कांग्रेस वाले बता रहे थे खासा महाजन फ्रांसी में, फ्रांसी में कांग्रेस का ठीक है, लेकिन जो वोट परसेंटेज डाउन हुआ है उससे उनको काफी डैमेज है। तो वहां पे फ्रांसी में मुझे लगता है कि दूसरे पे कांग्रेस रह सकती है, लेकिन खासा महाजन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक है कह सकते हैं, हम वहां पे डाउन नहीं कह सकते। फ्रांसी में जो कम हुआ है वोटिंग, उससे कांग्रेस को डैमेज जरूर हुआ है। और कुछ एक गांव में, एक वहां की एक बड़ी खासियत जो मुझे लगी आदमपुर की, आदमपुर में आपको चाय पानी पिलाते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, भीड़ आती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होना वो बड़े टेढ़ दिखे रहा है वहां पे। अच्छा पिछली बार अच्छा भी ऐसा ही होता अच्छा है, अच्छा पिछले कुछ अच्छा चुनाव देखे। अच्छा हुआ ये भरी जी जवानी में आप समझ गए। जी 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 जी, अब आकलन क्या है, आकलन क्या है आप मुझे पहले ये बताइए। ठीक है, अब आप मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा है, सिर्फ आदमपुर पे रहिए। बाईपोलर है या आम आदमी पार्टी और INLD कहीं है? नहीं, देखिए INLD का अगर हम बात करें तो बालसमंद के अलावा INLD का कहीं ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, बालसमंद जो में आपके आखिर में मुताबिक INLD पुराना को नंबर कितने आता वोट है। मिल जाएंगे बालसमंद में? बालसमंद में 2000 के आसपास। 2000 मिल जाएंगे। हाँ, तो मतलब आम आदमी जी जी पार्टी आपको, अच्छा ये बता दीजिए कि जीतेगा कौन, कांग्रेस या बीजेपी? ओवरऑल बालसमंद की बात करें या सर बालसमंद आदमपुर नहीं, पूरे उपचुनाव? आदमपुर। आदमपुर में देखिए अभी तो ईवीएम मशीनें खुलेंगी, ये कहना जल्दबाजी कर होगी दिया कि कौन फिर जीतेगा। आपने, हो सकता है कर मुकाबला दिया। अरे कंट्रोल भाई, पे ही हो, मैं सकता है मुकाबला एक पक्ष आम दो पक्ष आदमी के बीच पार्टी में से हो। जुड़े जर्नलिस्ट से नहीं, मैं पुराने सुनील मल्लिक से बात कर रहा हूं। जी आप तो आ जी जाइए जी धरातल नहीं, पर। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए सिस्टर, अभी थोड़ी देर में ईवीएम मशीनें खुलेंगी, लेकिन जो रुझान है, जो चीजें हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा एज है। लेकिन अगर वो एंटी और जो काफी कार्यक्रम चल रहे थे हमारी पार्टी की, शिक्षा संवाद यात्रा, अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। चलिए, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आप धन्यवाद लाइन सर। पे बने रहिए, मैं जानता हूं कि आप लोग जी जी सब, दीप कमल भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और दीप कमल, सुनील मल्लिक, महेंद्र, प्रमोद शर्मा, इन तमाम लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूं। ये ठीक है कि आज की तारीख में ये सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका मीडिया संभालते हैं। दीप कमल, आप तो आदमपुर के बाहर बैठ कर करके तमाशा देख रहे थे, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा टाइप से, तो जरा ये बताइए कि आदमपुर में अब तो कुछ देर में रुझान आने लगेंगे, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट भी हैं और मुझे ठीक है इमोशनली आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके उनका हित भी चाहेंगे, और ऐसा कुछ बोलेंगे भी नहीं आप ऑन स्क्रीन जो उसके मतलब अंगेंस्ट जाता हो, लेकिन आदमपुर का कैसे देख रहे हैं आप दीप कमल? देखिए शशि जी, सबसे पहले तो जो भी दुविधाएं या जो भी दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर किया गया, उस पर एक बात जरूर है कि ये दिखा कि कांग्रेस पार्टी दिखावे के लिए वहां आत्मविश्वास दिखा रही थी अपना, और दावे भी कर रही थी कि उनकी तैयारी पूरी है, कैंपेन अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी नजर जननायक जनता पार्टी के वोटों पर ही रही आखिरी के एक सप्ताह में, और उससे पहले भी वो यही कोशिश में रहे कि किसी तरीके से ये प्रचार चलता रहे कि जेजेपी के वोट कांग्रेस को मिलेंगे, जेजेपी के वोट आएंगे आएंगे। तो अगर उनका कैंपेन और उनकी ताकत और उनके जो स्टार प्रचारक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा में
इतना दम था, आदमपुर में इतनी लोकप्रियता थी, तो फिर ये छोटी वो बातें ठीक नहीं है, करनी चाहिए। वो ठीक है। मैं अभी जेजेपी वाले दीपेंद्र मतलब दीप कमल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 साल पुराने वाले दीप कमल से बात कर रहा हूँ, जो खूंखार जर्नलिस्ट हरियाणा में हुआ करते थे। आज भी वो अंदर आपके अंदर वो जिंदा ही होगा। अब आप भूल जाइए कि जेजेपी वही में सुनील मल्लिक को कह रहा था। आदमपुर अब तो आ जाएंगे ना कुछ देर में, ईवीएम खुलने शुरू हो रहे हैं, अब तो पोस्टल बैलेट चल रहा है। आदमपुर में कांग्रेस, बीजेपी, चलिए आम आदमी पार्टी और INLD का बाद में जिक्र कर लेंगे, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है, क्या थोड़ी देर में आ जाएंगे रुझान, आपके मुताबिक क्या रह सकता है? देखिए, मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि बहुत एक तरफा तो नहीं, लेकिन जीत तो निश्चित तौर पर गठबंधन के उम्मीदवार की होगी। भव्य बिश्नोई आज शाम तक विधायक बन जाएंगे, चाहे वो कुछ बहुत अच्छे अंतर से जीते हैं या फिर एक अच्छी क्या जीत आकलन, हासिल क्या करें। आकलन है आपका, लेकिन क्या मार्जिन हो सकता है? नहीं, ऐसा संख्या के मामले में तो मैं कोई आकलन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब कुछ घंटों में ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो आकलन आपने जैसे जो दूसरी पार्टियों का किया, वो मैं जरूर रखना चाहूंगा कि ये हरियाणा के लोग जरूर देख लें कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है और इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्थिति है। दोनों पार्टियों ने आदमपुर में अपना बेस्ट कैंडिडेट भी दे लिया, बेस्ट कैंपेन भी चला दिया, और सारी बातें जो भी इन दोनों पार्टियों के पक्ष में जाती हैं वो सारी करके देख ली। दीप, आपको भी पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आदमपुर बाइपोलर हो गया। अच्छा, आपके एक और मित्र हैं महेंद्र, वो भी खूंखार जर्नलिस्ट अपने जमाने में रहे हैं, हालांकि जमाना उनका लदा नहीं है। तो महेंद्र आजकल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जरा उनको भी ले आइए, अगर ला सकते हैं कंट्रोल रूम। आज जुड़ गए हैं क्या कंट्रोल रूम? जी। अच्छा, ये महेंद्र देखिए, स्मार्ट यंग, स्मार्ट डायनेमिक, उधर दीप कमल भी, उधर सुनील, सुनील मलिक भी। अच्छा, अब तो हो गया सब कुछ जो होना था, अब तो काउंटिंग का समय है ना? तो महेंद्र, आपका आकलन क्या है? अभी दीप कमल भी बता रहे थे, सुनील मलिक भी बता रहे थे, जरा आपका बता दें और दर्शकों को बता दें कि महेंद्र बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, और मैंने शुरू में कहा कि इन सबों के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। महेंद्र, अब आपको क्या लगता है कुछ देर में क्या होगा? मैं भी इंतजार ही करना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी ज्यादा खपाना ये है। दो चीजें हैं सर, एक तो बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा कॉन्फिडेंट है निश्चित तौर पर, लेकिन 2009 के इलेक्शन बाद भी किए और लोगों की थोड़ी थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है महेंद्र। मैं गया महेंद्र, थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इन तीनों के साथ मैंने आज के दिन की शुरुआत, फ्रेम पे रखिए इनको, कंट्रोल रूम, इनको फ्रेम पे रखिए, मुझसे ज्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि ये अपनी पार्टियों के लिए दिन रात मीडिया में क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से स्टोरीज जानी चाहिए, क्या पार्टी का पक्ष हो सकता है, मतलब दिन रात नींद हराम कर करके ये सब लोग लगे रहे हैं। मुझे एक चीज दीप, आपके पास जब तक महेंद्र की कनेक्टिविटी सुधर जाए, महेंद्र कह रहे हैं कि बीजेपी वाले थोड़ा कॉन्फिडेंट ज्यादा है। मुझे जेजेपी के एक अच्छे अच्छे नेता से मेरी एक दिन बात हो रही थी, मैंने कहा ये सट्टा बाजार वाले बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा कि सर वो वाला चुनाव भी याद कीजिए जब दुष्यंत हिसार से जीते थे, और मुझे एक बड़े ही हाईली प्लेस्ड सोर्स ने बताया कि तब भी कुलदीप जी ने शाम में 2 कैमरा, 2-3 ड्रोन कैमरे, है ना, मोतीचूर के लड्डू सबका ऑर्डर कर दिया था, और जो सट्टा बाजार है उसका भी रिजल्ट और रुझान कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन 9-10 बजते बजते ना ड्रोन निकला ना कैमरा निकला, और पता चला कि जो मोतीचूर वाले लड्डू है उसको बीच में ही वो रोक दिया गया, बोला भाई अब रख दो, या तो इसको जेजेपी की तरफ बेचना है आधे दाम पे तो बेच दो। वो दुष्यंत जीत गए, दुष्यंत की चुनाव जीत गए थे, वो भी वाक्य याद होगा, बहुत पुराना नहीं है दीप कमल? नहीं देखिए, चाहे सट्टा बाजार हो या बाकी फैक्टर हो चुनाव में, मैनेज तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हर पहलू को करती है, जिन जिन लोगों जिन जिन जो जो बातें लोगों के बीच में चल सकती हैं वो सारी बातें चलाई जाती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे वो
नुक्कड़ सट्टा बाजार, दीप सट्टा ठिकाने। बाजार कितना रिलायबल है आज के जमाने में? बहुत सारे इंसिडेंट है मेरे पास, एग्जांपल्स हैं, जो सट्टा बाजार जो है मुझे लगता है वो बिजनेस करने लगा है। नहीं, मैं तो ईमानदारी से इस दुनिया से बिल्कुल दूर हूं और मुझे पता भी नहीं है इसमें कि कौन से शहर में और किस तरीके से चीजें काम करती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो चुनाव और उपचुनाव खास तौर से, इसमें सारे फैक्टर जो काम कर सकते हैं, चाहे वो सरपंचों के जरिए हो, चाहे वो बसों में जो बातें चलती हैं, चाहे वो चौपाल पर और जो जहां ताश बैठकर लोग खेलते हैं वहां जो बातें चलती है, चाहे मीडिया में कैसी, जो लोकल मीडिया अखबार हैं उनके अंदर कैसी बातें छपती है, छपवाई जाती है, वो सारे नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि यही धीरे धीरे लोगों में बातें जोड़ता है, इन्हीं से कहीं ना कहीं माहौल बनता है, बिगड़ता है। महेंद्र 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 भी कनेक्ट हो गए, महेंद्र भी कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है महेंद्र? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जी आप अपनी बात रखिए, उस वक्त ऑडियो क्लियर नहीं था। जी असल में ये बता रहा था कि जैसे बीजेपी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस टाइम जीत को लेके, लेकिन कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी हुई है वो उससे इसकी तुलना होती है। जब जयप्रकाश 5-6 हजार के माध्यम से रह गए थे तो उस टाइम ये बताया गया कि लोग उस टाइम पे कुलदीप बिश्नोई परिवार के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं रहे थे, बहुत साइलेंटली उन्होंने जाके वोट किया कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। लेकिन अब की बार हमने ये अंतर देखा है कि लोग बहुत मुखर होके बोल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं कि हम हराएंगे इनको, इनको सबक सिखाएंगे। कौन मुखर था? मैं भी आदमपुर में था, मुखर एक 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 सेक्शन है, वोटर का एक सेक्शन है, आप बोलिएगा तो मैं नाम भी ले लूंगा, वो ज्यादा मुखर है, वो स्वभाव से मुखर है, वो अपने अपने आदत से मुखर है, उसका उसका अपना उसका दबदबा है उसका अपना। नहीं नहीं मैं आप है ना जिस तरफ जाना चाह रहे मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ आपको, ठीक है? आप अगर कास्ट के हिसाब से कहना चाहेंगे कि भी कास्ट हार्ड रियलिटी है, बिना कास्ट की बात किए हुए चुनाव की बात करें तो बेमानी है। मैं वही कह रहा हूँ सर, उधर से आप कहेंगे कि उधर से बिश्नोई बहुत ज्यादा मुखर थे, इधर से जाट बहुत ज्यादा मुखर थे। एक अंतर जो मैंने देखा है कि अदर जो कास्ट हैं उन्होंने भी अब की बार मुखर होके कैमरा के ऊपर, जब बहुत सारे पत्रकार जाते थे तो पहले वो अपनी जाति बताते थे और फिर ये कहते थे कि नहीं हम अब की बार इनको सबक सिखाएंगे। महेंद्र एक आंकड़ा है, वो समझ गया मैं, एक आंकड़ा है मैंने निकाला कि जो कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव वाले गाँव है वहां पर 81, 84, 82, 85, 84, 76 ये परसेंटेज है पोलिंग का, है ना? और जो मैंने जेपी के प्रभाव वाले इलाके है ना, जाट भी कह लीजिए, तो वहां पर काली रमन में 80% है और दड़ोली में 83% है, फ्रांसी में 31% है और बाकी सब 70, 72, 73, 74% है। तो जो आपका प्रभाव वाला इलाका है वहीं पर वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। एक बार मैं अपनी बात एक बार कंप्लीट कर देता हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं कि भाई कांग्रेस क्यों उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि आपने कहा है कि भाई आप कांग्रेस और बीजेपी को साइड में रख के बताइएगा, वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि भाई हम जीत सकते हैं कि जो साइलेंट वोटर्स है बीजेपी इस टाइम ये मान के चल रही है कि वो उसी को पड़ा है, और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जो साइलेंट वोटर्स जो बचे हुए हैं वो कांग्रेस को मिले हैं। तो ये एक दोनों तरफ से जो आज की तारीख में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईवीएम खुलेगी, रिजल्ट आएगा, तो वो हमारी तरफ भी हो सकता है और उनकी तरफ भी हो सकता है। इस कैलकुलेशन में किसकी चूक होगी या कौन बाजी मार जाएगा ये अलग बात है, ये नतीजे में पता चल जाएगा। अच्छा दूसरी बात है सर, इसको अगर आप आंकड़ों पे आएंगे कि वोटिंग परसेंटेज कहाँ का कितना रहा, सदलपुर या जो दूसरे गांव है सर, आप देखिएगा कि पिछली बार कितनी वोटिंग परसेंटेज रही है सर, पिछली बार से डाउन है, स्वाभाविक है, पिछली बार से थोड़ा डाउन है। अच्छा मंडी विलेज और मंडी आदमपुर के अंदर वो किसका प्रभाव का क्षेत्र है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है या ज्यादा? मंडी ग्रामीण में 76% और मंडी आदमपुर में 66, थोड़ा करेक्शन हुआ होगा तो 1-2% बढ़ गया होगा। नहीं नहीं इतना ही है, ये लास्ट ही आंकड़ा था ये। तो ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है सर? ये पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो आपका आपके प्रभाव वाले इलाके में बढ़ा है क्या वोटिंग परसेंटेज? हाँ हाँ बढ़ा है सर, बढ़ा है पहले के मुकाबले। चलिए बहुत 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 शुक्रिया, मुझे पता है कि आपकी व्यस्तताएं होंगी अभी, तो सुनील मलिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, दीप कमल आपका भी, और महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।